हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रश्मि। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ फूल गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी मैं। तो चलिए, इसके लिए मैं 2 ठो फूल गोभी ले ली हूँ और जो उसमें काला काला पोर्शन होता है ना, जो भी गंदगी रहती है, उसको मैं सब अच्छे से, बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं उसकी तैयारी करूंगी कि किस तरह से, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इसके पराठे बनाऊंगी। कर ली हूँ, है ना। अब इसको थोड़ा मैं गर्म पानी में, नमक पानी में एक बार अच्छे से धो लूंगी, उसके बाद मैं इसको कद्दूकस करूंगी। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से नमक पानी में डाल के अच्छे से धो के मैं ले आई हूँ और इसको कद्दूकस करूंगी। और हमको इसके सिर्फ जो फूल का पोर्शन है ना, इसी को अकेले कद्दूकस करना है। ये देखिए, अब इतना बच गया है ना, अब इसको हम अलग कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरा गोभी का फूल है, इसको भी बस ऐसे ही कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये निकला है। तो देखिए, अब मैं किचन में आ गई हूँ और गैस ऑन करके मैं उसमें कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। तेल जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और बस उसमें सबसे पहले सौंफ डाली हूँ, फिर ज़ीरा, राई और उसके बाद जो कटी हुई हरी मिर्च मैं रखी थी धो के कट करके, उसको डाल दी हूँ। अभी थोड़ा सा हो जाएगा, चटक जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। जैसे हल्दी डाली हूँ और पिसी धनिया डाली हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, गरम मसाला और ये जो है जीरा, पिसा जीरा, ये भी 1 चम्मच डाली हूँ। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो सब डालने के बाद फिर मैं जो कद्दूकस करके गोभी रखी हूँ, फूल गोभी, उसको फिर इसमें डाल के अच्छे से उसको मिक्स करूँगी। पूरे मसालों में गोभी को मिक्स कर, हमको गोभी को बहुत अच्छे से पकाना नहीं है, लेकिन अभी इसको मिक्स करके हल्का सा थोड़ी देर तक इसको करना है। अब इसके बाद फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टेस्ट के अनुसार अपना नमक डाल देना, जिस कम ज़्यादा जैसा भी जो खाता हो। और ये अमचूर पाउडर है, तो मैं 1 चम्मच करनी, 3/4 चम्मच करीब में अमचूर पाउडर डाली हूँ। और आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। चाट मसाला यूज़ करेंगे तो नमक थोड़ा सा कम डालेंगे। और फिर मैं इसको ढक दी थी, 2-3 मिनट ढक के थोड़ा सा पकाई हूँ, हल्का सा सॉफ्ट हो गई है गोभी। उसके बाद फिर मैं इसको इसमें हरी धनिया थोड़ा अच्छी डालना है, क्योंकि उसका फ्लेवर और कलर सब अच्छा आता है, तो इसलिए फिर वो उसके बाद फिर मैं गैस को बंद कर दी हूँ और इसको फिर मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दी हूँ। जो भी ये हमारा जो फूल गोभी का जो मसाला तैयार हुआ है, इसको अलग रख दी हूँ। और उधर पे फिर मैं एक बोल में आटा निकाल ली हूँ और उसमें ये 2 बड़े चम्मच बेसन और थोड़ी सी अजवाइन अच्छे से क्रश करके और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तो ये सब मैं डाल के अब आटा जो है अच्छा स्मूथ आटा गूंथना है। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, और अच्छा आटा गूंथना है। तो बस मैं अब आटा गूंथ लूँगी।
देखिए तुम्हारा आटा अब गूंथ गया है। अब इसमें ये थोड़ा सा तेल आटे में चारों तरफ अच्छे से लगा के और इसको भी थोड़ा अच्छे से दो चार बार अच्छे से गूंथ देंगे, जिससे कि ये और चिकना हो जाएगा। फिर इसको हम रेस्ट के लिए थोड़ा सा रख देंगे और उतनी देर में हमारा मसाला भी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए आटा हमारा गूंथ गया है और अब हमारा मसाला भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो बस अब मैं अब मैं तवा चढ़ा दी हूँ गैस में और सबसे पहले मैं छोटा सा ये पराठा बना रही हूँ, जो कि आप लोगों को पता होगा पहले अंचे में पराठा रोटी पूड़ी जो भी बनाऊँ मैं सबसे पहले गाय के लिए बनाती हूँ। तो ये जो पराठा बन रहा है ये गाय के लिए बन रहा है छोटा सा, तो सबसे पहले गाय के लिए पराठा बनाऊँगी और उसके बाद फिर बाकी पराठे भी बनाती जाऊँगी। तो ये देखिए और बहुत ईजी है, इसमें स्टफिंग को अंदर भरना ही बहुत इजी है। मैं क्या जैसे लोग सभी लोग कई लोगों को मैंने देखा है कि उन लोग उसकी लोई बना के छोटा सा बेल के उसके बाद भरते हैं और मैं बेलती नहीं हूँ। ये देखिए ये गाय का बन गया है और मैं देखिए बेलती नहीं हूँ, जो लोई रहती है ना उसी को थोड़ा सा कटोरी शेप में कर देती हूँ और उसमें फिर भर के और देखिए इस तरह से ऐसे चारों किनारे से चारों तरफ से उसको स्टफिंग को अंदर करके और किनारे से आटे को ला के मिक्स करके ये देखिए इस तरह से गोल करके और फिर मैं आराम से इसको बेल लेती हूँ। बहुत इजी वे पे बेल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं से फटता भी नहीं है और बहुत ही अच्छे पराठे बने थे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल भी मतलब गर्म में भी ज़्यादा वैसे नहीं थे, अच्छे क्रिस्पी थे और एकदम कड़े जो होते हैं ना उस टाइप के नहीं थे और रखने के बाद भी ये कड़े नहीं होते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में। और जो लोग भी मेरे चैनल पर आज नए आए हैं या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैं एक एक करके पूरे पराठे बना लूँगी और बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। तो देखिए अब मैं आप लोगों को ये पराठे जो है तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर इसकी स्टफिंग देखिए कितनी क्लियर और कितनी अच्छी दिख रही है। तो बहुत ही अच्छे पराठे बने थे, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे पराठे बने थे। तो लीजिए चलिए आप लोगों को भी मैं टेस्ट कराती हूँ, आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि ये पराठे आप लोगों को कैसे लगा। और साथ में मैं टमाटर की चटनी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, पिसा जीरा, नमक, बस ये डाल के चटनी पीस ली हूँ। तो बस इसके साथ आप लोग खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।